कहना चाहूंगा वो ये है कि इवेंट रिकॉर्ड हुआ है, तो अगर किसी को उससे मसला है फिर वो कैमरा के सामने से ना गुजरे, वो साइड पर बैठ सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं। आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ डॉक्टर जावेद अहमद गांधी साहब तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर जावेद अहमद गांधी साहब पाकिस्तान के एक नामवर आलिम हैं और उनके इंस्टीट्यूट का नाम है अल मौलिद। गांधी साहब इज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ अल मौलिद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेस और वो गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के प्रिंसिपल रिसर्चर हैं। उनको पाकिस्तान हुकूमत ने सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया है और उनकी किताबों की लंबी फहरिस्त में कुछ बड़े नाम मीज़ान, प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, इस्लाम कॉम्प्रहेंसिव इंट्रोडक्शन और बहुत सी किताबें लिखी हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है इस्लाम और हमारे जो जदीद सियासी डॉक्ट्रिन्स हैं और इस्लाम की इन डॉक्ट्रिन्स की के साथ कंपैटिबिलिटी। तो मैं सबसे पहले गांधी साहब से पूछूंगा कि वो हमें एक शुरू में थोड़ा सा आउटलाइन बताएं कि उनकी क्या राय है इस्लाम पे और इस्लामी रियासत पे, इस्लामी सियासत पे। हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तालिबे इल्म की इज्जत अफजाई फरमाई और इसकी मालूमात सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये मौजू बहुत वसी व अतराफ है, इस पर अगर ला से इंतहा तक गुफ्तगू की जाए तो शायद कई घंटे चाहिए। इस वजह से मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आपका बहुत सा वक्त लेने के बजाय मैं उन मामलात की तरफ तवज्जो दिला रही हूँ और फिर ये नशस्त एक इंटरेक्टिव सेशन की सूरत तैयार कर लें जिसमें जो चीज़ें आपके जहन में हैं आप वो पूछें और बगैर किसी तकल्लुफ के पूछें और उसका दौर हाजिर के साथ क्या ताल्लुक या रिलेवेंस है और इस्लाम के क्लासिकल फिक्र में उससे क्या मसाइल पैदा होते हैं उसमें शायद मैं फिर आपकी कुछ खिदमत कर सकूँ। जो बड़े बड़े मसले इस वक्त मुसलमानों के मुफक्किरीन में, उनके उलमा में, इसी तरह उनके सियासी दानिश्वरों में जेर बहस है और ये जेर बहस हैं, जब मैंने कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब से जेर बहस है, पिछली डेढ़ सदी से जेर बहस है। वो बड़े बड़े मसले क्या हैं? एक मसला जिसने हमारी जो कदीम क्लासिकल फिक है, ज्यूरिसप्रूडेंस है, उसमें गोया एक मुसलमा हैसियत इख्तियार कर ली थी, वो ये थी कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है मजहबी लिहाज से, एक दारुल हर्ब, एक दारुल इस्लाम। यानी जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, मुसलमानों की हुकूमत है, वो दारुल इस्लाम है, बाकी सारी दुनिया के साथ आप एट वॉर हैं। यानी एक मुसलमानों के दरमियान और बाकी दुनिया के दरमियान परपेचुअल वॉर है, एक जंगे मुसलसल है, वो वक्ती तौर पर रुकती है, किसी से कोई वायदा हो गया, कोई अच्छे ताल्लुकात हो गए या किसी को आपने मजबूर कर दिया कि वो ज़रा अमन के साथ आपको अपने मकासद को पूरा करने का रास्ता दे दे। एक बड़ा मसला जो हमारी क्लासिकी फिक्र है उसने ये पैदा कर रखा हुआ है। मैं अर्ज कर दूं कि ये मसला मदरसों में जेरे बहस रहता है, ये दानिश्वरों में जेरे बहस रहता है, ये आला सतह के एकेडमिक मजालिस में जेरे बहस रहता है, लेकिन इसको जैसे मैंने बयान कर दिया है अब लोग इस तरह बयान करने से मसला मौजूद है। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये है कि मुसलमानों का मजहबी फिक्र यही उनको बताता है कि उनकी एक ऐसी रियासत होनी चाहिए जिसका एक ही नज्म हो, या उनकी इस्तलाह में या उनकी
टर्मिनोलॉजी के मुताबिक इसका एक ही खलीफा हो, सब के सब लोग उसी की इताअत करें, यही उनका क्लासिकी निजाम है। दौरे हाजिर में अब चूंकि एक दो नहीं 50-55 के करीब तो मुसलमानों की नेशनल स्टेट बन चुकी है, कौमी रियासत है। जिस तरह से दुनिया के साथ पहला मसला ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, तसादुम पैदा करता है, कि अगर ताल्लुक यही है कि हम एक परपेचुअल वॉर में है, हमेशा की जंग में है, तो फिर क्या बनेगा, नहायत क्या निकलेगा। इसी तरह दूसरा मसला कौमी रियासत और खिलाफत का तसव्वुर, कौमी रियासत और मजहबी रियासत का तसव्वुर, इसका तसादुम पैदा करता है। जो दौरे हाजिर की कौमी रियासतें हैं, नेशन स्टेट्स हैं, वो इस उसूल पर कायम होती हैं कि एक खास खित्ते अर्ज में, एक जमीन के खास टुकड़े में जो रियासती नज्म या बंदोबस्त कायम किया गया है, उसमें रहने वाले लोग बराबर की सतह पर रियासत के निजाम में शरीक, उनके दरमियान रंग, नस्ल, मजहब, कौमियत, इसी तरह से सकाफती पस मंजर के कस इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो जिस वक्त रियासत के नज्म में शरीक होंगे तो उनके दरमियान कोई फर्क ऊपर नीचे पहले या दूसरे दर्जे का नहीं किया जा सकता। कौमी रियासत या नेशनल स्टेट इसी उसूल पर, मजहबी रियासत या खिलाफत का जो तसव्वुर हमारे यहाँ है उसमें और इस तसव्वुर में एक बड़ा तसादुम वाकई हो जाता है, इसलिए कि मजहबी रियासत तो एक खास मजहब के अलमबरदार होगी, उसके चलाने वाले लोग वही होंगे जो उस मजहब को मानते हैं, और वही लोग हैं कि जिनको उस रियासत के निजाम में बढ़तरी हासिल होगी या लोगों के बकौल होनी चाहिए, इससे एक तसादुम पैदा होता है। अगर आप गौर करके देखें तो हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसकी पैदाइश से जो उसको दो बड़े अमराज, दो बड़े मरज लाए हैं, उनमें एक ये है कि वो पहले दिन से मजहबी रियासत और कौमी रियासत की कश्मकश का शिकार हो गई, यानी वहां का मजहबी तबका उसको एक मजहबी रियासत बनाना चाहता है और उसके बानी ने उसको एक कौमी रियासत के तौर पर वजूद भी किया था। यही वजह है कि 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक पॉलिसी तकरीर की है वो हमेशा एक बड़े नज़ा का बायस बनी रहती है, क्योंकि अगर उसको आप एक कौमी रियासत के हवाले से देखें तो उसका लफ्ज लफ्ज बिल्कुल सही बैठता है, और उसको अगर आप एक मजहबी रियासत के जाविये से देखें जैसे कि लोग ख्याल करते हैं तो एक तसादुम उसके नतीजे में वजूद पसीर हो जाता है। इसके बाद जो एक तीसरा बड़ा मसला है वो है गैर मुस्लिम अफराद, खा वो आपके मुल्क के अंदर रहते हों या आपके मुल्क से बाहर रहते हों, उनसे मुसलमानों के पॉलिटिकल ताल्लुक। मौजूदा जमाने में तो खैर सियासी या पॉलिटिकल ताल्लुक से आगे के ताल्लुक भी हदफ बन गए हैं, लेकिन सियासी ताल्लुक क्या होंगे, इसका एक आखिरी जो नमूना हमारे सामने आया वो आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क में बाकायदा तय कर दिया गया कि मुसलमान कौन होगा और कौन नहीं होगा, और ये रियासत की सतह पर मसला पेश आ गया। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि गैर मुस्लिम अकवाम, ज़ाहिर है दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद सारी दुनिया ने आपकी दावत को कबूल कर लिया है, अभी भी अगर आप देखें तो अरबों की तादाद में वो लोग हैं और करोड़ों की तादाद में वो आपके मुल्कों में भी आ गए, तो इस वजह से ये एक बड़ा मसला बन जाता है कि उनके साथ हमारे रवाबित ताल्लुकात की क्या नौयत होगी, सियासी रवाबित की क्या नौयत होगी, माशर्ती रवाबित की क्या नौयत होगी, और इसी तरह से अगर कोई शख्स आपके मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने के दौरान में ये समझता है कि मुझे अपने मजहब पर नजर सानी की ज़रूरत पड़ गई है तो क्या आप उसका हक मानेंगे। अब जाहिर है कि ये भी एक दोतरफा अमल है, अगर आप ये हक अपने यहाँ नहीं मानेंगे तो फिर दूसरों से कैसे लेंगे।
इसके साथ बहुत सी जुड़ी हुई चीजें हैं। मसलन ये कि आप तो ये हक मांगेंगे ना कि आप दुनिया में जाएं, आप अपने मजहब की तबलीग करें, आप लोगों को कन्वर्ट करना चाहें कन्वर्ट कर दें, आप अपनी बात कहें, आपके ऊपर कोई कदगन ना हो, आपके वीजे पर भी ये सवाल ना किया जाए कि आप अलराह कर्म क्यों तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन फिर इसके जवाब में अगर बाकी मजाहब के लोग आपके यहाँ अपनी बात कहने के लिए, अपने मजहब को बयान करने के लिए जाना चाहें तो आप इजाजत देंगे, तो ये इससे छोटा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जिसको कहा जाता है कि क्या मुसलमान मुल्कों में हम मसीहियत को, हम यहूदियत को, हम हिंदू मत को तब्दील की इजाजत देंगे। इसके बाद जो बड़ा मसला पैदा होता है, वो बड़ा मसला ये है कि जो लोग आपके दायरे के अंदर रहते हैं और वो मुसलमान हैं, अगर वो उस तब्दील से या उस तब्दील के बगैर ही किसी दूसरे नुकता नजर से मुतासर हो जाए तो वो अपना मजहब तब्दील कर सकते हैं, इजाजत है उनको। एक शख्स मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, मुसलमानों के घर में पला बढ़ा, लेकिन उसका इत्मीनान नहीं रहा, वो इलाहाद इख्तियार करना चाहता है, उसको मसीहियत ज्यादा बेहतर लगती है, वो यहूदी होना चाहता है, तो क्या उसको हक देंगे आप? एक बड़ा मसला ये पैदा हो जाता है। और ये मसला जो है ये कत्लो गारत तक भी नौबत पहुंचा देता है। हमारे यहाँ जो पिछले 30-35 साल में कत्लो गारत हुई, उसमें जब पूछा जाता था कि भाई आप अचानक आते हैं, आप आके किसी बाजार में, आप मस्जिद में, आप किसी मदरसे में लोगों को मार देते हैं, कोई आपसे इख्तलाफ का इजहार करता है तो आप उसको उड़ा देते हैं, एक मासूम सी बच्ची ने आपसे इख्तलाफ का इजहार किया मलाला ने, तो आप उसको मारने के लिए निकल खड़े हो गए, कि आप क्या करते हैं? वो उसके जवाब में ये कहते थे कि हम अपने उलमा से पहले फतवा लेते हैं और वो हमें बता देते हैं कि असल में अपोस्टेसी हो गई है, और जब ये हो जाती है तो इसके बाद फिर किसी इंसान की जान लेना ये आपकी सवाबी पर है, जब मौका मिले आप ले सकते हैं, तो हमें जब मौका मिलता है हम जान लेते हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला भी किस सतह तक इल्म में चला जाता है, या हमारे यहाँ, यानी अब ये कोई महज ख्वाब नहीं है जो हम बयान कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ। इसके बाद मैं सिर्फ मसाइल की निशानदेही कर रहा हूँ। इसके बाद एक बड़ा मसला ये पैदा होता है कि हम मुसलमान चूंकि एक दीन को मानने वाले हैं, उस दीन में बहुत से आकाम दिए गए, हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, रोजा रखने का, और बहुत से हैं जिंदगी के मसाइल के बारे में भी अल्लाह ताला के बहुत से कवानीन हैं जिनकी हम पाबंदी करते हैं। रियासत की सतह पर क्या जो शख्स हमारा हुक्मरान बन गया है या जो नज्म रियासत कायम हो गया है, वो इनमें से हर चीज की हमसे अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक पाबंदी कराएगा? यानी एक तो ये है ना कि मेरा अपने परवरदिगार से एक ताल्लुक है, मैं उसका बंदा हूँ, मैंने इस्लाम को शऊर के साथ कबूल किया है, तो मैं जिस चीज को भी समझता हूँ कि ये मेरे रब का हुक्म है उस पर अमल करता हूँ, कहीं कोताही भी कर लेता हूँ, कहीं मेरा अमल गैर मामूली होता है, कहीं उसमें कोई खामी भी रह जाती है, तो ये मेरा और मेरे परवरदिगार का मामला है। तो क्या स्टेट रियासत, हम इस वक्त सियासत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो रियासत और स्टेट का निजाम वो इस मामले में क्या करेगा, नाफिज कर देगा? चुनांचे उसकी जो मिसालें हमारे सामने इस दौर में आई, यानी एक तो यह कि किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो तीन रियासतें दौरे हाजिर में हमारी आंखों के सामने कमोपेश कायम हुई। हमारे यहाँ जो मजहबी ताबीर जिसको हम्बली या सलफी ताबीर कहते हैं, उसका जहूर हुआ सऊदी अरब में। तो आप जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हमने कोई 100 साल बाद ये फैसला किया है कि ख्वातीन अब गाड़ी चला सकती, 100 साल कमोपेश लग गए इस सारे मामले में। ये उसी मसले की फरा है, ये मसला मैंने आपके सामने रखा कि मुफ्ती साहब ये बताएंगे कि इस्लाम में ये क्या मानना होगा, गाड़ी चलाना औरत के लिए जायज है नाजायज है, फर्ज कीजिए कि उनकी राय है कि नाजायज है, तो आप जाहिर है कि रियासत उसको नाफिज कर दी। एक चीज तो ये ना कि मुफ्ती साहब के पास आप गए, उन्होंने आपको बता दिया कि इस्लाम में औरतों का गाड़ी चलाना जायज नहीं है, तो उस औरत की मर्जी है, चाहे वो इस बात को मान ले चाहे ना माने। ये भी हो सकता है कि वो उनकी इंटरप्रिटेशन ही से इख्तलाफ करे, मुमकिन है कि वो किसी दूसरे साहिब इल्म की बात को ज्यादा वो कर दे। ये तो इंफरादी मामला हो गया, इसमें जाहिर हर एक का हक है कि वो जो चाहे करे, लेकिन ये नहीं हुआ वहां, ये
ये है कि उसको रियासत का कानून बना के नाफिज कर दिया गया। ऐसे ही मैं एक दूसरी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ ये आम फतवा है कि महरम के बगैर औरत सफर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तो हज भी नहीं कर सकती, जो उम्रे का भी तो सफर होगा। तो इस मसले को आम जिंदगी में किसी ने समझा, किसी ने इख्तलाफ किया, हो सकता है कि मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, कोई दूसरा आदमी इसके से इतफाक करता हो। एक खातून अपनी राय रखती है इस पर, उसको इतफाक है अमल कर लेगी, उसको इख्तलाफ है बयान कर देगी, वो किसी साहिब इलम से पूछ लेगी, किसी की दलील उसको ज्यादा मुतमिन करती है उस पर चल निकलेगी। तो यहाँ मामला इंफिरादी होगा, लेकिन इसको कानून बना के आपने नाफिज कर दिया। तो उसमें होता क्या था कि एक बेचारी है, रोस्ट सारी जिंदगी हज का सफर करती थी, उम्र का सफर करते ही मारम तलाश करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट की मैं आपको तसादुम की मिसाल दे रहा हूँ कि मजहबी फिक्र का सियासी मामला से भी यहाँ का एक बड़ा आम सवाल होता है पहला, और वो ये है कि रियासत के निजाम को अगर मुसलमानों के पास रियासत का नज्म है तो दीन के अहकाम या कानून में से क्या नाफिज करने का इख्तियार है क्या नहीं, या जो कुछ भी उसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो सब नाफिज कर दी जाएगी। चुनाचे नफाज शरीयत हमारे यहाँ एक इस्तलाह है, तो उसका मतलब आमतौर पर यही लिया जाता है। तो आप देखिए कि सऊदी अरब में जब सलफी तर्ज की हुकूमत कायम हुई, ये इस्लाम की एक बड़ी इंटरप्रिटेशन है। तो वहाँ ये मैंने चंद मिसालें दी आपको, बाकी से आप वाकिफ हैं, यानी ये नुमाया चंद चीजें हैं। इसी तरह जो इस्लाम की एक शिया इंटरप्रिटेशन है उसके तहत भी एक हुकूमत कमोपेश इस वक्त तो निसफ सदी के करीब होने वाली है, कायम है। तो उसमें भी ये सारे मसाए ऐसे ही पेश आए, बल्कि उसका तो मजमूई नज्म भी उलमा के पास है, और वहाँ लोगों के इस हक को भी तस्लीम नहीं किया गया, और लाहिर के मजहब के नाम पर नहीं किया गया कि आम लोगों का ये काम नहीं है कि वो फाइनल अथॉरिटी की जगह पर रियासत के निजाम में खड़े हों। यानी अगर आप उधर देखें तो वहाँ कम से कम ये था कि मामला महरम के साथ जाने ना जाने तक है, यहाँ तो पूरे स्टेट के निजाम ही के मामले की नौयत तब्दील हो गई। फिर जो हमारे यहाँ कदीम फिकही ताबीर है जैसे हनफी शाफी मालिकी, तो उसमें से हनफी ताबीर वो चारों ही कमो बेश एक ही तरह की है। हनफी ताबीर का जो जहूर हुआ तो उसके तहत कम अज कम 5 साल के लिए तो तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, और उसमें भी इसी नौयत का जहूर हुआ इन तमाम चीजों का, यानी छोटे से छोटे मामला से लेकर फुटबॉल टीम ने नेकर कितना पहनना है उस तक भी लाया कि स्टेट ने मुदाखलत की उन सब मामला। इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं अफसाना है या फिर मगरब ने प्रोपेगेंडा कर दिया है, ये सब चीजें जो है ये हमारे यहाँ मौजूद थे। तो ये वो बड़े बड़े मामला हैं, बड़े बड़े मामला मैंने लिया, और भी बहुत से हैं जो असल में जो जदीद सियासी फिक्र है और जो हमारा मजहबी सियासी फिक्र है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, तसादुम पैदा करते हैं। अब जाहिर है कि इसका एक लाजमी नतीजा ये है कि वो लोग के जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं या इस्लाम को अपना दीन कहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले में अपने जहन को भी वाजे करें और जो कुछ इंटरप्रिटेशन मौजूद हैं उनका भी इल्मी फिक्री तरीके से मुताला करें। अगर वो नहीं करते और उसके नतीजे में इन तमाम बहसों को एक तरफ रख के जैसे कि आदमी रेत में सर छुपा लेता है बैठे रहते हैं, तो जो आपकी नई नस्ल है जो आपके यहाँ पैदा हो रहे हैं लोग, वो पढ़ेंगे, वो उन कंट्रडिक्शन में नहीं जिएंगे जिनमें हम पैदाइशी मुसलमान जीने के आदि होते हैं कि जिस चीज से इत्तेफाक नहीं है उसको एक तरफ रख दो यानी बाकी भी चलते हैं। तो ये सूरत अब आगे आपके हक नहीं चलेगी, इनमें से हर चीज को आपको फेस करना होगा, इसका मुआवजा करना होगा, इसका सामना करना होगा, और ये देखना होगा कि इनमें क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या बातिल है। अगर ये हक बातिल का फैसला आप नहीं करेंगे तो फिर आप इस्लाम को एतमाद के साथ इस नई दुनिया में पेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस वक्त बिलहूम ये किया जाता है कि उसके वो हिस्से ले लिए जाते हैं जिनमें इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और इस तरह के मामला को कहीं और कोशिश मोड पर डाल दिया जाता है। मैंने बड़े बड़े मसाइल की तरफ निशानदेही कर दी, मेरा ख्याल है कि अब कुछ अंदाजा हो गया होगा आपके जहनों में, हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत से मसले हों, तो आप गुफ्तगू शुरू कर दीजिए जो मेरे इल्म में होगा मैं आपसे। बहुत शुक्रिया। पहले मैं गांधी साहब से चंद सवाल करूंगा, फिर हम आप लोगों के सवाल लेंगे। आप लोग ने जब सवाल करना होगा तो आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, गांधी साहब उर्दू में जवाब देंगे।
पहले मैं गांधी साहब से, गांधी साहब पहला जो सवाल उठता है मेरा, आपने कहा कि एक कौमी रियासत होगी और एक मजहबी रियासत, और हमारे पाकिस्तान में एक जो मसला है वो ये कि हम दोनों के बीच में कश्मकश चल रही है, तो क्या ये नामुमकिन है कि एक कौमी रियासत होने के बावजूद एक मजहबी रियासत हो सकती है? मजहबी रियासत का लफ्ज जब मैंने इस्तेमाल किया है तो जो हमारी क्लासिकल फिकी अप्रोच है उसके लिहाज से, उसके लिहाज से तो मुकम्मल कंट्रडिक्शन है। लेकिन अगर आप तो मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरे नजदीक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजहबी रियासत का सिरे से इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं, यानी जिसको आप मजहबी रियासत या इस्लामिक स्टेट कहते हैं ये दौरे हाजिर की इस्तलाहात है। इस्लाम का जो क्लासिकल इल्म है कुरान में बयान हुआ है, सुन्नत में बयान हुआ है, जिसकी पर एक बड़ी ट्रेडिशन कायम हुई, उसमें कोई चीज नहीं है इस्लाम। ये दौरे हाजिर में लोगों ने ये इस्तलाहात बनाई और उसके बाद जो हमारी फिक्र में बाज मसले थे, जैसे उसको हमारे ज्यूरिस्ट ने अपने जमाने में देखा था, वो सारे के सारे करना शुरू कर दिए। आप कौमी रियासत कायम करें, आप इससे आगे बढ़ के कल आलमी रियासत कायम कर दें, इससे मजहब के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं। मैं इसके ऊपर बहुत तफसील से लिख भी चुका हूँ, आप उस सारी बहस को खोलना चाहेंगे तो मैं उस सबका तजिया करके भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये मेरा नुकता नजर है, मेरी तहकीक है, मैं उसको दलायल से बयान कर सकता हूँ। हमारा जो आम मजहबी फिक्र है वो इसको ऐसे नहीं कहता, वो ये कहता है कि मुसलमानों का ये फरीजा है कि वो एक मजहबी रियासत कायम करें, और मजहबी रियासत में खिलाफत का निज़ाम होगा और उसकी तस्वीर वही है जो आपने तीन हुकूमतों की सूरत में देख ली है, जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया। यानी जो कुछ लिखा हुआ है वो कहीं पूरा और कहीं किसी हद तक अधूरा नुमाया होकर सामने आ गया। यानी मजहबी रियासत से उनकी मुराद ये है, ये जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं कि तवील अरसे से एक कश्मकश जारी है, अमरीका ने अपनी वहाँ फौजें उतारी हुई हैं, फिर उसके बाद मुदाकरात होते हैं। आप मुझे बताइए दौरे हाजिर में इन मुदाकरात की कोई जरूरत है? बता रहे मुझे, दौरे हाजिर ये फैसला कर चुका है कि जिस कौम में आपने कोई सियासी नज्म कायम करना है उस कौम का इलेक्शन करवाइए, जिसने अपने आप को पेश करना है बतौर एक सियासी जमात के पेश करे। तालिबान ने आना है वो आ जाए, अशरफ गनी साहब को आना है वो आ जाए, अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब को आना है वो आ जाए, अपनी अपनी सियासी जमात के साथ आए, इंतखाबात हो, उन इंतखाबात में जिसको मैंडेट हासिल हो जाता है वो हुकूमत करे, दूसरे लोग अपोजिशन में बैठ जाए। दौरे हाजिर पुरअमन तरीके से मसले को हल कर चुका है, क्यों मुजाकरा कर? इसलिए कि तालिबान अपने मजहबी फिक्र में इसको मानने के लिए तैयार है। यानी उनके नजदीक ये फैसला करना कि अफगानिस्तान में हुकूमत कौन करेगा, ये अफगानिस्तान के अवाम का हक ही नहीं। अब जब आप एक इस जगह पर खड़े होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, अब फिर मेज पर बैठकर आप फार्मूला तलाश कीजिए, क्या किया जाए, क्यों फोरम में फार्मूला तलाश करें? आप सिर्फ ये नहीं कहते कि ये मेरी राय है, आप कहते हैं अगर तुम हमारे इस तसव्वुर को नहीं मानेंगे तो मैं मानेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ये है। बाकी जहां तक अल्लाह के दीन इस्लाम का ताल्लुक है उसमें सिरे से ये मसले हैं, वहां ये है कि आपने जो भी नज़्म कायम किया है, अगर आपकी हुकूमत जमहूरी तरीके से आई है, एक कौमी रियासत में आई है, किसी और नौइयत का निज़ाम आपने कायम किया है, इस्लाम आपसे ये कहता है कि लोगों की राय से, लोगों के मशवरे से, लोगों के फैसले से हुकूमत कायम होगी, लोगों की राय की बुनियाद पर कायम रहेगी, अगर लोगों का एतमाद उसको नहीं रहा तो वो अपना जवाज खो दे, वो फिर एक लीगल हुकूमत, एक कानूनी हुकूमत नहीं होगी। अब जाहिर है कि इस उसूल पर जो हुकूमत बनेगी अगर उसमें मुसलमान है तो फिर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों के हुक्मरान की हैसियत से ये दो चार कवानीन हैं जिनके तुम पाबंद, ये तुम्हें करना है। बस इस्लाम का अप्रोच ये, वो किसी मजहबी रियासत या किसी इस्लामी रियासत के तसव्वुरी से बिल्कुल खाली है। आप पूरे कुरान मजीद को पढ़ जाइए, आप सारा जखीरा हदीस का देख लीजिए, आपको सिरे से ये इस्तलाह और ताबीर नहीं मिलेगी, यानी ना अरबी में मिलेगी ना किसी तर्जुमे में मिलेगी, मौजूद ही नहीं होगी। सादा उसूल है कि जो लोग हैं, यानी मैं एक मुसलमान हूँ, मैं बैसियत फर्द किसी जंगल में हूँ, वहां भी अल्लाह ने मुझे कुछ हिदायत दी,
मैं एक खातून को ब्याह के लाता हूँ, एक खानदान का इदारा बनता है, दोनों को कुछ हिदायत आती है, वहां बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक फैमिली वजूद में आती है, वालदैन है, फिर कुछ हिदायत आती है। मैं उठता हूँ, मैं उठ के जाके अपनी मर्जी का कोई कारोबार करता हूँ, कोई मुलाजमत करता हूँ, वहां मुझे किन अखलाकी उसूलों का पाबंद रहना है, फिर कुछ हिदायत आती है। इसी तरीके से मैं एक सियासी जमात बनाता हूँ, मेरे हाथ में मुल्क का नज्म आ जाता है, मैं पार्लियामेंट में पहुंच जाता हूँ, तो वहां भी मुझे कुछ हिदायत आती है। तो इस्लाम का अप्रोच ऐसे है, यानी वो ऊपर से अप्रोच ही नहीं करता। लेकिन अगर आप ऊपर से अप्रोच करेंगे तो फिर जाहिर है कि मजहबी रियासत का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर एक करारदाद मकासद वजूद में आएगी, फिर उसके बाद आपकी रियासत कलमा पड़ेगी, मुशर्रफ बाय इस्लाम होगी, फिर उसको मस्जिद में ले जाया जाएगा, उसके बाद बाकी मसले हल हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट। आपने कहा था कि कुछ बुनियादी दो चार कानून हैं जो हिदायत के तौर पे मौजूद हैं, आप हमें बता सकते हैं ये दो चार बुनियादी नुक्ते क्या हैं अगर एक रियासत हो? वैसे तो मैंने 2015 में एक आर्टिकल लिखा था जो एक ही वक्त में उर्दू और अंग्रेजी जुबान में पाकिस्तान के दो बड़े रोजनामों में शाये हो गया था। उस पर एक बहुत बड़ी बहस, बहुत बड़ा डिबेट शुरू हुआ था, जिसमें मुल्क भर के कुल 50 के करीब दानिशगर और उलमा अपनी अपनी राय दे रहे थे। उसका उनवान था इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया, काउंटर नैरेटिव। उसमें ये सब बहसें थी, मैंने ली थी। तो वहां मैंने आखिर में जाके, यानी 10 निकात थे, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो मैंने बड़ी बड़ी चीजों को बयान किया जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है इस तरह का तसादुम है। तो आखिर में मैंने जाके उन अहकाम की एक फहरिस्त भी मरतब कर दी। ये चीजें हैं जो रियासत का नज्म जहां भी कायम होगा, तो जाहिर है कि हुक्मरान होंगे, अगर हुक्मरान मुसलमान है तो अल्लाह ताला ने उनको ये हिदायत दी है, उनकी एक फहरिस्त मैंने उसे मरतब कर दी। वो उर्दू में भी देख सकते हैं, अंग्रेजी में, बड़ी बड़ी चीजें जाहिर है उनमें से क्या है। उनमें से एक बड़ी चीज ये है कि मुसलमानों के हुक्मरान का काम है कि वो जुमे के दिन मुसलमानों को आके जुमे की नमाज पढ़ाए और उसका खुतबा दें। ये किसी मौलवी का, किसी दानिशवर का, किसी आलिम का काम नहीं। जुमे की नमाज अल्लाह ताला ने हुक्मरानों ही से मुतल्लक फर्ज की। ये हुक्मरान होंगे तो पढ़ी जाएगी, नहीं होंगे तो नहीं पढ़ी जाएगी। इसी जगह लोग जोहर की नमाज पढ़ेंगे। तो अब जाहिर है कि ये एक हिदायत है जिसका ताल्लुक ही असल में हुक्मरान के साथ है। इसी तरह से मुसलमानों के तमाम इज्तमाही मामला, मसलन ईद का ऐलान करना है, मसलन जुमे का वक्त तय करना है, मिसाल के तौर पर रमजान का ऐलान करना है, ये जितनी चीजें भी इज्तमाही मामला से ताल्लुक हैं, वो रियासत का नज्म ही फैसला करेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी एक रोयत हलाल कमेटी बना लूं और आप अपनी बना लें, नहीं हो सकता। तो इस वजह से इज्तमाही मामला में ये हिदायत कर दी गई है ताकि मुसलमानों के नज्म में कोई खलल ना हो। जामे मस्जिद रियासत के कंट्रोल में होगी, जुमे का खुतबा वही देंगे, वही का ये काम है जो करें। उसके बाद ये हिदायत की गई है कि वो पूरे के पूरा जो निजाम कायम कर रहे हैं उसमें अदल को अपना या जस्टिस को अपना मकसद अव्वल बनाएंगे, और तमाम फैसले करते वक्त जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरिट पर देंगे। इसको कुरान ने बयान किया कि हम तवद्दुल अमानात इला अहलिहा वा तहकुम बैनहा, यानी इसको एक लाजमी हुक्म के तौर पर, बुनियादी जिम्मेदारी के तौर पर अल्लाह ताला कहते हैं। वैसे तो अब दुनिया सारी इसको मानती है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक मजहबी हुक्म भी है। अगर किसी मौके पर कहीं कोई गिरोह या कोई जमात या कोई कौम जुल्म पर उतर आती है, इंसानियत के खिलाफ कोई जालिमाना इकदाम करती है, तो जाहिर है कि इस वक्त का बैनुल अक़वामी कानून भी ये मानता है कि उसको समझाने बुझाने में नाकामी हो जाए तो उसके खिलाफ जंग की जा सकती है। हमारे यहाँ भी इसको एक मजहबी फरीजा बनाया जाता है, किसी को जिहाद किया जाए, किसी वक्त कोई कौम, एक तो है ना कि अफराद जुल्म पर उतर आए, डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तो यह कि कौम सरकश हो गई है, वो मैदान में निकल आई है, वो लोगों पर जुल्म कर रही है, तो उसके खिलाफ जंग करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर ताकत है, अगर इस्तेआत है, तो उसका हाथ पकड़ो ताकि वो जुल्म से रुक जाए, वो जुल्म के खिलाफ या उद्वान के खिलाफ या ज्यादती के खिलाफ जंग की हुकूमत से यही होया अल्लाह के पूरा काम में से है, जिसमें मैं एक काम नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ जराय में
जिनकी सजाएं मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी, और ये क्लियर है कि ये इंतहाई सजाएं हैं जब जुर्म अपने आखिरी दर्जे में हो जाए और मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक ना हो, वो मुसलमान हो, इस्लाम का शऊर रखता हो, खुदा को खुदा के रसूल को मानता हो, उनकी हिदायत को अपने लिए सर तस्लीम खम करने का जरिया समझता हो, फिर चोरी का इरतकाब करे, फिर बदकारी का इरतकाब करे और किसी रियायत का मुस्तहिक ना हो, तो वो सलाहें जो है वो अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दी। तो ये बड़े बड़ी चीजें ये हैं, छोटी जो है वो मजीद तफसील देख सकते हैं, वो ऐसी आम नहीं है। तो ये काम एक हुक्मरान को करने हैं बस। अगर हम थोड़ा सा सियासी फलसफे के बारे में बात करें, जो अगर हम डेमोक्रेसी देखें तो कहा जाता है कि सॉवरेनिटी जो है वो वोटर्स के पास होती है, या कम्युनिज्म में कॉम्यून के पास, सोसाइटी एज अ होल के पास। और अक्सर हमने ये सुना है कि इस्लाम में सॉवरेनिटी अल्लाह मियां के पास है, खुदा खुदा के पास है, और वो और किसी के पास हो नहीं सकती। तो जो हमारे ये सियासी सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी के या सोशलिज्म के, क्या इनको फिर अमल करने का कोई तरीका है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सॉवरेनिटी सिर्फ खुदा के पास रह सकती है? ये सॉवरेनिटी पर जो बात जो हमारे यहाँ इल्मे सियासत है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें एक जमाने में जिस वक्त ये मसीही या मुकद्दस रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर रहे थे, बात बहसें पैदा कर दी गई। हमारे यहाँ के मुफक्किरीन ने उसका जवाब देते हुए कह दिया कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला के पास सॉवरेनिटी। मेरे नज़दीक ये सियासत की बहसी नहीं है। अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक है। हम सूरह नास पढ़ते हैं, औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, यानी वो सिर्फ रबी नहीं है, बादशाह है कायनात का और पूरी कायनात पे हुकूमत कर रहा है। इस्लाम को मानने का मतलब ही है कि मैंने अपने परवरदिगार को मान लिया, ये मुझे करना है। रियासत में फैसले की आखिरी अथॉरिटी किसके पास है? अवाम के पास। इसको खुद कुरान ने बयान कर दिया, यानी लोग हैं। रियासत का निज़ाम कोई आसमानी निज़ाम नहीं है, ये लोगों की जरूरत से पैदा हुआ। चूंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और इख्तियार दिया, वो अपने इरादे और इख्तियार को गलत इस्तेमाल करता है, उससे फसाद पैदा हो जाता है। तो इसलिए इंसान को जरूरत महसूस हुई कि वो अपने अंदर एक नज़म पैदा करके एक रियासत कायम कर दे। और ये सारी दुनिया करती है, यानी ऐसी चीज भी नहीं कि जहाँ मजहब नहीं है वहाँ लोग नहीं करते। तो उसमें किसके पास ये आखिरी इख्तियार है कि वो लोगों के तकदीर का फैसला करे, यानी हुकूमत करे उसकी सदा के ऊपर। जाहिर है ये इख्तियार दो ही जगह पे हो सकता था, या इस कायनात के खालिक के पास और या लोगों के पास। तो खालिक ने हुक्मरान भेजने बंद कर दिए, अब लोगों के पास। इसके बाद जो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा गांधी साहब, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हम ये देखें, जो मगरबी दुनिया, अक्सर मगरबी दुनिया में नहीं, इंडिया वगैरह में भी कानून पास किए जा रहे हैं ऑन गे राइट्स, के लड़का लड़की शादी, लड़का लड़के की शादी। और आप, आपकी राय में एक रियासत, एक इस्लामी रियासत, उसमें इस तरह के कानून कभी आ सकते हैं? क्योंकि आपने कहा है कि जहाँ पे मेजॉरिटी होगी वो रियासत बना सकते हैं, तो अगर वो इस तरह की कोई मिसाल के तौर पे कानून बनाना चाहे, वो मुमकिन है या नहीं? लेकिन मैं इसके सादा मिसाल आपको अभी ही दे देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में बैंकिंग लॉ मौजूद है जी। उसके तहत सूद का कारोबार बिल्कुल जायज है, बराबर जी। इसके इसके बारे क्या है? इसके बारे ये है कि एक चीज दीनी लिहाज से थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए गलत है, लोगों में उसके गलत होने का शऊर होगा तो उसको प्रोटेक्ट करना, नहीं होगा तो क्या कर सकते। तो इसलिए डेमोक्रेसी पर कोई पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं। आपके पाबंदी लगाने, करारदाद मकासद पास करने, इस्लाम मजहब है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। बैंकिंग ना मौजूद मौजूद है, इसके तहत पूरी मुल्क की मैशत का निजाम चल रहा है। तो इसके साफ मानी क्या है कि असल में ये बहस मुनाफिकाना बातें होती हैं। कौम के अंदर इस्लाम का जितना शऊर होगा उनकी हुकूमत में उसी का जोर होगा, इसके लिए ऊपर से कुछ भी नहीं किया जा सकता। करेंगे तो इसी तरह की सूरत पैदा होगी कि आपकी दस्तावेज में लिखा होगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता, आपका कानून ये होगा।
कुछ और सवाल और फिर हम ऑडियंस से सवाल लेते हैं। आप आपकी राय में जो एक इस्लामी रियासत का जो सिस्टम है, क्या फिर वो दोनों साइड पे जा सकते हैं, जैसे हमारे दो जो बड़े पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो पिछले सदी में हमने देखे, एक डेमोक्रेसी और एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म, तो आपकी राय में क्या ये दोनों एक इस्लामी रियासत इन दोनों की सूरत ले सकती है? थोड़ा सा लफ्ज़ तब्दील कर लीजिए। मैंने अभी गुजारिश किया आपसे बहुत अदब के साथ कि इस्लामी रियासत नाम की तो कोई चीज़ पाई नहीं जी। इस्लाम का कंटेंट खाली है इससे, आपकी ये मुसलमानों की रियासत जी, यानी जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, जाहिर है कि मुसलमान अपने दीन का जितना शोर रखते होंगे उसके लिहाज से ही जरूर होगा। यानी आप इसको फर्द से समझिए, ये इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे समेत, इनमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की, ये सब मुसलमानों के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक ठीक जो कुछ दीन में है उस पर एक सुई के नोक के बराबर भी अमली नहीं करते करते हैं? तो अगर इंफरादी जिंदगी में करने के बावजूद ये मुसलमान रहते हैं, यानी मसलन कुछ लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, होगा हो सकता है रमजान में रोजे भी नहीं रखते, तो आप उनको काफिर तो नहीं कहते ना? क्या कहते हैं? सवाल यह है कि यही लोग जो है ये 1.5 करोड़ की तादाद में अगर इकट्ठे होंगे रियासत बनाएंगे, तो उसमें भी इनकी शख्सियत, इनका किरदार इज्तिमाई सतह पर सामने आएगा। ये है नेचुरल तरीका किसी चीज का, इसमें रुख आपका होगा लोगों की तरफ। आप समझते हैं उनको इस तरह की शादियों को जायज नहीं करना चाहिए, उनको सूद के इदारे नहीं कायम करने चाहिए, तो लोगों के पास जाए, उनके अंदर ईमान पैदा करें, उनके अंदर इसके दलाइल की बुनियाद के ऊपर ईजान और यकीन पैदा करें। जिस वक्त वो पार्लियामेंट में बैठेंगे वो नहीं बनने देंगे कानून, लेकिन अगर वो नहीं है वहां पे तो ऊपर से कैसे रोकेंगे उसे? मैं आपसे कुछ सवाल मैशत के हवाले से करना चाहूंगा। ये होता है बनाया खाने पर पड़ा पानी दिया बात करते पहला सवाल तो ये है कि एक मुसलमानी मुसलमानों की कोई रियासत हो, इसमें ज़कात के अलावा टैक्सेस की इजाजत है? नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत पर सबसे किया। आप ये देखिए कि इंसानों ने सदियों तक रियासत की इस्तेदाद, उसकी ट्रेनी के मुकाबले में एक एक चीज को खत्म किया, लेकिन आज भी रियासतों के पास उनके माल को रियासत के मकासद के लिए लेने का इख्तियार मौजूद है, टैक्सेशन का इख्तियार। आप जानते हैं कि दुनिया में इस इख्तियार की बुनियाद पर बादशाहों ने क्या जुल्म किए, किस तरीके से किसानों पर लगान आयद किए गए हैं, कैसे उनकी फसलें उठाई गई हैं। फिर आप जानते हैं कि किस तरह की तहरीक अमरीका में चली कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन है जो असल में थोड़ा सा तहफ्फुज करती है, लेकिन कितना करती है? यानी कब ऐसा होता है कि आवाम से मशवरा किया जाए, राय लीजिए, आप जहां तक उसको चाहते हैं ले जाते हैं, आप तय करते हैं कि आपने सारी दुनिया में गारतगरी करने के लिए असलिया बनाना है, तो दो टैक्स, कोई नहीं पकड़ने वाला। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा कर्म किया, तो मुसलमानों को ये कह दिया कि आप मेरे मुकर्रर करदा टैक्स से पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकते। तो ज़कात असल में खुदा का मुकर्रर करदा टैक्स है। तो जैसे हम देखते हैं लंदन में, सेंट्रल लंदन की जो इलाका है, वहाँ पे गाड़ी लेके जाने के लिए एक ग्रीन टैक्स देना होता है, क्योंकि हमारा एक बहुत ग्लोबल मसला बन गया है क्लाइमेट चेंज वगैरह। इन सूरत हाल में इस तरह का टैक्स भी आप कहेंगे कि जायज नहीं? मेरे नज़दीक ये देखिए बात यह है कि वो चीज़ें कि जो आप किसी रियासत के निज़ाम में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोल टैक्स इस तरह के, इनके लिए टैक्स का लफ्ज़ ही मना सकते हैं। ये तो ऐसे हमारे यहाँ बिजली हुकूमत भेजती है और उसमें 2 रुपए का इजाफा करके बिजली पर टैक्स लग गई, तो ये असल में वो जैसे फारसी मुहावरे में कहते हैं ना कि आपने एक हबशी का नाम काफूर रख दिया, ये वो चीज़ है। यानी टैक्सेशन जो है वो असल में आपके कमाए हुए माल में से हुकूमत का हक होता है। आप सड़क को इस्तेमाल करने का मुआवजा देते हैं, पुल को इस्तेमाल करने का मुआवजा देते हैं, बिल्कुल ठीक है, मेरा जी चाहेगा मैं इस्तेमाल करूँगा, लंदन के दरमियान में मुझे गाड़ी ले जाने नहीं होगी, इतना नहीं होगा, टैक्स इसको ही क्या, इन तमाम चीज़ों के लिए टैक्स का लफ्ज ही मौजूद है। जहाँ मेरा इख्तियार शुरू हो जाता है कि मैं वो चीज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं आपने कहा कि मोटरवे पर पाकिस्तान में जाने के लिए आपको 700 रुपये देंगे, मेरे कहा नहीं जी।
आपसे मैशत के हवाले से एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि आपने कहा था कि अगर एक मुसलमानों की रियासत हो और वहां पे बैंकिंग लॉज चेंज करने हो तो तबलीग वगैरह के थ्रू जो है ना लोगों में ईमान पैदा करके फिर वो उसी तरह के कानून बनाएंगे, लेकिन ईमान से भी पहले शऊर जी क्योंकि हमारा जो ग्लोबल एक निज़ाम है मईशत का, जहाँ पे हम देखते हैं IMF जो लोन देते हैं उन उस पर इंटरेस्ट लगता है वगैरह, किस हद तक मुमकिन है फिर कि किसी मुसलमानों की रियासत में जो मईशत है वो रिबा या इंटरेस्ट से बच सकती है? क्योंकि इस्लाम का उसूल है कि आप जब भी वो आपको कोई हुक्म देता है, कोई हिदायत का पालन करता है, तो उसके साथ है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आपकी ताकत होती है आप उस पर अमल करते हैं। अभी मैंने जिहाद के बारे में कहा तो असल में टारगेट के लिए जाता है, यानी हमारा हदफ तो यही है कि हमारे पास ताकत हो तो हम हर मजलूम की मदद करने के लिए पहुंचे, नहीं हम नहीं जाएंगे, खुद कुछ नहीं करने के लिए कहते। इसी तरीके से आपको अगर ये बताया गया कि आप कर्ज के ऊपर अपने भाई से नफा ना तलब करें, क्योंकि कर्ज देना असल में इस्लाम में नेकी का काम है, ये बिजनेस नहीं है, अगर ये बात कही गई है और आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आ जाती है, बस उतने तक उसको दोबारा करेंगे और सही चीज को हासिल करने की जद्दोजहद करते हैं। तो ये खुद अल्लाह ताला ने ये उसूल बता दिया, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। हर हुक्म जिस पर आप अमल करते हैं, आप तंदुरुस्त हैं, भले चंगे हैं, आप खड़े होते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल पेश आ गई है परिजनों को रुकवाना, फिर तुम सवारी पर बैठे हुए पढ़ लो, पैदल चलते हो, तो फौरी तौर पर हुक्म एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ले। अब मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, इससे पहले कि हम बाकी लोगों से सवाल लें, वो सवाल ये होगा कि जो हमारी इस वक्त पे रियासत है पाकिस्तान में, आप क्या कहेंगे कि किस हद तक ये रियासत एक इस्लाम के तहत चल रही है, जो आपके जो बुनियादी जो नुक्ते थे किस हद तक पाकिस्तान की रियासत उन पर कायम है? मैं अभी अर्ज किया था कि पाकिस्तान की रियासत तो बस जब से वजूद में आई है बेचारी पैदाइशी अमराज में मुबतला है, और ये पैदाइशी अमराज दो है, मजहबी और कौमी रियासत की कश्मकश मिलिट्री और सिविल, तो इन दोनों में निजात पाएंगे तो देखें क्या बन गया, फिलहाल तो कोई इम्कान न था। अगर किसी का कोई सवाल हो, हम तो सियासत मईशत दोनों से पारे हो गए, अब आप अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ पानी का। तो आई गेस कि आपने पहले इसका आंसर दे दिया, लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि मजहब का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ताल्लुक होना चाहिए या नहीं? मेन भी आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी डिफाइन कर, लेकिन व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी, कि अगर पाकिस्तान में मेजॉरिटी कहते हैं कि गे राइट्स के नहीं होने चाहिए, लेकिन उस मुल्क की माइनॉरिटी का फिर क्या होगा? मुल्क की माइनॉरिटी राय अम्मा को हमवार करती रहे, जमहूरी उसूल यही होता है कि अगर कोई गलत कानून बन गया, मसलन इस वक्त इस्लाम के नाम पर बाज कवानीन बने हुए हैं हमारे, तो अमीन रिसालत का कानून, इसी तरह से और बाज कवानीन हैं जिन पर मैं पहले दिन से तंकीद कर रहा हूँ, बस मेरा यही हक है, यानी जो मेजॉरिटी ने राय कायम की उस पर कानून बन गया, लागू है, अगर मैं भी जुर्म करूंगा मेरे ऊपर भी वही कानून लागू हो जाए, लेकिन मुझे तनकीद का हक मिलना चाहिए, मैं उसकी गलती वाजे करूंगा, जब लोगों की अक्सरियत मेरी राय की हामी हो जाएगी कानून बन जाएगा। लेकिन आप असल में ये चाहते हैं कि लोग एक चीज के मानने वाले नहीं है तो कहीं और से आगे वो चीज आ जाए, वो नहीं आएगी। जिस तरह मैं आपकी जाती जिंदगी में ये कह के मुदाखलत नहीं कर सकता कि आप मुसलमान हैं, तो आप ये फरमाइए कि आपने ये फलान आपकी दाढ़ी क्यों नहीं रखी, ये मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल इसी तरह रियासत में भी लोग जो फैसला करेंगे मुझे उससे इख्तलाफ हो सकता है, तो मैं बताऊं आपको मालूम है कि मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर पब्लिक मीडिया के ऊपर बरसों तनकीद की है कि ये कानून बेबुनियाद कानून है, ये बेसलेस कानून है, की है ना, मैं यही कर सकता हूँ। There was a debate between Maulana Madani and Sir Muhammad Iqbal in the 1930s about nationalism and its compatibility with Islam. So Iqbal ka ye tasavvur tha ki Islam compatible nahi hai European nationalism ke saath, jabki Madani ka ye sawal tha, ye tasavvur tha ki qaumi yakjahti
सकती है, हो सकती है, पॉसिबल हो, विच इज बेसिकली दैट लेटर टेकन ऑन बाय मौलाना मदनी, सॉरी मौदूदी, जिनका कॉन्सेप्ट है इस्लामिक स्टेट का. तो आपकी राय में इज इट पॉसिबल दैट देयर इज दिस सेपरेशन ऑफ फेथ एंड पॉलिटिक्स पॉसिबल इन इस्लाम, लाइक जो कि इकबाल का भी तसव्वुर था कि नहीं है, उनके नहीं है. ये तो दो अलग अलग सवाल हो गए, यानी एक है कौमियत का मसला और एक ये है कि क्या आप सियासत को अपने मजहब से अलग कर सकते हैं. इकबाल का मसला तो बहुत शोहरत पा चुका है, जुदा हो गई सियासत से तो रह जाती है चंगे से. ये जिस बहस की तरफ आपने इशारा किया, पहले मैं उस पर कमेंट कर देता हूँ. आपकी बात पूरी हो गई, मैं जी, बात बांधता हूँ. तो ये ख्याल हुआ कि आप खड़ी हैं तो शायद बात आपसे पूरी कर. तो ये जो डिबेट पैदा हुआ उसमें अल्लामा इकबाल हमारे ममदू हैं और वो इस उम्मत के बहुत बड़े लोगों में से हैं, लेकिन मैं बहुत अदब से यज करता हूँ, उनकी राय बिल्कुल गलत थी और बेबुनियाद भी थी. कुरान मजीद इस मामले में वाजे है कि हर तरह की कौमियतें रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, सकाफत की बुनियाद पर हो सकती हैं, कौमी रियासतें भी कायम हो सकती हैं. इसमें कुरान मजीद में अहदीस के पूरे जखीरे में इसके खिलाफ कोई बात नहीं. इस्लाम जो बरादरी कायम करता है, यानी एक आदमी यहाँ रहता है, एक आदमी मराकश में है, एक इंडोनेशिया में है, मेरा उसके साथ जो रिश्ता कायम है मजहब की बुनियाद पर, उसको कुरान ने अखुवत का नाम दिया, भाईचारा. वो मेरा भाई है. इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई हैं. ये नहीं कहा कि इन्नमल मोमिनूना कौमुन वाहिद, मुसलमान एक कौम है, ऐसा नहीं. इस्लाम कौमियत की बुनियाद नहीं है, वो इसको जेरे बहस ही नहीं करता. कौमियत की बुनियादें वही है जो फितरत में रखी हुई. इसको देखिए सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दिया कि हमने ये जो भी कबीले और ये सारे गिरोह बनाए हैं, खा वो किसी बुनियाद पर बनते हैं. लहर कबायल अपनी नस्ली बुनियाद पर बनते हैं, कहीं रंग इसकी बुनियाद बन जाती है, कहीं तहजीब और सकाफत बुनियाद बन जाती है, कहीं सदियों किसी एक इलाके में रहने के नतीजे में ये चीज. तो जानो शुबों और कबायल ने तारफ, ताकि तुम्हारे दरमियान बाहमी तारुफ पैदा होता है. तो अल्लाह ताला ने तो उनको अपनी आयत या अपनी निशानी करार दे दिया है. तो इस वजह से कौमें होंगी, रहेंगी, आपस में तामुर भी करेंगी, मिलके कोई निज़ाम भी बना लेंगी. इस्लाम इसे मुदाखलत नहीं करता. वो किसी कौम में हो, कहीं रहते हो, वो मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के भाई, और एक भाई पर भाई के जो हुकूक आयद होते हैं वो उनको पूरे करने चाहिए. इस्लाम की तालीम. तो इसमें अल्लामा इकबाल की जो राय थी वो मेरे नज़दीक सही नहीं थी. वो एक नौयत का रद्द अमल था मदनियत के उन फलसफों की जानेब जो असल में वतन को देवता बना रहे थे. तो रद्द अमल की नौयत ये थी. उसमें उन्होंने लाया कि बहुत सख्त अल्फाज में तबसरा किया कि इन सारे खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है, वो मजहब का कफन है. उसकी बड़ी वजह असल में, और आपने देखा नहीं उसमें जो नज्म का उनवान है वो है बदनीयत बहसियत सियासी तसव्वुर. ये उस जमाने की बहसें थी जिनके ऊपर उन्होंने शिद्दत का इजहार किया. मौलाना हुसैन मदनी जो बन के बड़े उलमा में से थे, उन्होंने इससे इख्तलाफ किया और ये बताया कि ये बात ऐसा नहीं है. आज के जमाने में ये बदनी कौमियत अब जो सूरत इख्तियार कर रही है, इसके इसका लाजमी असर ये पड़ेगा कि नेशनल स्टेट्स बन जाए. और हिंदुस्तान की तकदीर भी यही लिखी हुई, आप जो जी चाहे कर रहे हैं, आप वहां के 20 करोड़ लोगों को अपने यहाँ दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है. आज के जमाने में अफगानिस्तान आपको अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, सऊदी अरब हम में से किसी को अंदर दाखिल करने के लिए तैयार नहीं. तो इस वजह से ये जमाने की हकायत है. जितनी चीजें हैं ये मैं ये अर्थ नहीं कर रहा कि ये रवैया ठीक है या गलत है, लेकिन मौजूदा दुनिया यही है जिसमें हम रह रहे हैं. तो इस दुनिया में ये पहलू था, इस पर उन्होंने कहा हुसैन मदनी साहब को सरूज बरसरे मेंबर के वतन मिल्लत अल-वतनस से बेखबर से मकाम मोहम्मद कर दी. तो एक बात तो बिल बात है, गुस्से में आ जाएंगे तो ऐसी बात है, लेकिन बात ठीक नहीं थी जी. गांधी साहब वेलकम टू ऑक्सफोर्ड. मैं तो आपके सेंटर में भी कुछ अर्सा पहले गया जा चुके थे. बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान आप जैसे दिमाग की जैसे फर्द की हिफाजत नहीं कर सका है. तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है. ये है कि आप मलेशिया में जाके भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए काफी लोग आपको सुनते हैं, आपकी किताबों को पढ़ते हैं. तो
मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान की जो तहरीक थी वो एक मुस्लिम कौम की हैसियत से मुस्लिम नेशनलिज्म की एक तहरीक थी और उसमें डीकॉलोनाइजेशन है जो पार्टीशन को प्रोसेस के तौर पे यूज करती है, आयरलैंड में हुआ, फलस्तीन में हुआ, अफ्रीका में 50 से रास्ते बनी। तो लेकिन इस्लाम और मुस्लिम में फर्क बहुत है, लेकिन है सटल और लोग दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब हमें आपने ठीक कहा कि जिन्ना साहब ने और जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कोशिश की उनकी निगाह में ये मुस्लिम कंट्री होगा, मुस्लिम सोसाइटी होगी, ये इस्लामिक सोसाइटी एज सच यानी थियोक्रेसी नहीं होगी जिसका आपने मिसाल सऊदी अरब और ईरान और तालिबान की दी है। तो वो मेरे ख्याल में आपके बहुत क्लियर है, आई अप्रिशिएट इट। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखा जाए, मैं हिस्टोरियन हूँ और मुस्लिम पॉलिटिक्स पे और इन चीजों पे लिखता हूँ, तो ये राट बहुत पुराना है, ये कुछ 700-800 साल से ये हमारी है। और इसमें मेरे ख्याल में हमारे जो बुजुर्ग थे अशरी जिन्हें आप कहते हैं और गजाली, इमाम गजाली, और ये सोच है जिसने हमें उस एक बंद गली में डाल दिया। और मुतज़िला के खिलाफ रिएक्शन हुआ और थोड़ा सा ग्रीक फिलासफी के खिलाफ रिएक्शन हुआ, इब्ने सीना, इब्ने रुशद जो लोग थे उनके खिलाफ फतवे लगाए गए और उलमा इस चीज में पेश थे। तो मेरे ख्याल में ये 700 साल से जो इम्पोज की गई है इंटेलेक्चुअल कन्फॉर्मिटी कि हम परफेक्ट हैं और हमें किसी मजीद तनकीद की जरूरत नहीं है, तकलीद की जरूरत है, तो मेरा ख्याल में ये पॉलिटिक्स भी उसी सारे राट का और सारी जो हमारा मसला है उसका एक आस्पेक्ट है। तो जब तक ये इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन नहीं होगी, आप इकबाल का जिक्र किया है कि इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन इकबाल भी उसमें कंफ्यूज होते हैं इस्लाम और जब स्टेट का, मे बी वो उस वक्त जर्मनी और इटली की फैशिज्म की स्टेट से खौफजदा हो, तो इस वजह से उन्होंने नेशनलिज्म को इतना ज्यादा डिफेंड नहीं किया, लेकिन साथ वो थोड़ा सा इस्लाम को रोमांटिसाइज भी करते हैं। लेकिन मेरा नुक्ता नजर ये है कि मुसलमानों की जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट रुकी, और वो रुकी इमाम गजाली के जमाने से, अशरी के जमाने से, वो दोबारा बहाल नहीं हुई। सर सैयद ने उसको बहाल करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में आपने जिक्र ठीक किया है, 150 साल पहले तो सबसे बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड में एक आदमी आता है जो इन सब चीजों को चैलेंज करता है, स्लेवरी को चैलेंज करता है, अक्ल को सामने लाता है और ये फेडरलिज्म को चैलेंज करता है, वो सर सैयद है। लेकिन सर सैयद पे भी फतवे लगे, सर सैयद के भी खिलाफ लोग। तो मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में हमारा वही मसला है जो 700 साल से, और पॉलिटिक्स में हमारी जो फ्रेगमेंटेशन है, जो वायलेंस है, प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, गैर मुस्लिम से हमारे झगड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उस इंटेलेक्चुअल जो मुरास है, इंटेलेक्चुअल जो हमारे मसले हैं, उनका एक डायमेंशन है। उसूल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यानी जब ये तय कर दिया जाएगा कि माशरा या सोसाइटी लोगों को फौज को खड़ा किया जाता है कायदे में ऐसे खड़ा रखे, तो उसका लाजमी नतीजा जवान और इंसान को लाजमी नतीजा। हमारी जो पूरी तारीख है मुसलमानों की, अगर आप गौर करें तो उसमें जो मजहबी फिक्र है उसने तकलीद को अपना उसूल करा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आप तहकीक नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, आप किसी चीज को उसूल में या फरह में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप बगावत का इख्तिताब कर रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त लोगों को ये तवज्जो दिलाई गई कि जरा अपना तज़किया करो, अपने आप को बेहतर करो, तुम्हारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा किरदार अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमने बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहा खानकाह का, लेकिन वहां ताल्लुक क्या पैदा किया? पीर और मुरीद, यानी यहाँ तकलीद वो मुरीदी, बादशाह दीन के जमाने में तो सोचा नहीं है कि खवारिज लोगों को बाकायदा कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और हजरत अली कहते हैं कि मैं कोई इकदाम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि अभी उन्होंने ये काम किया तो नहीं, रोक ही सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ। तो वहां डेमोक्रेसी इस इंतहा पर चली गई है जिस पर तनकीद की जा सकती है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में यह है कि सुल्तान है और सुल्तान मौजम जो है वो जिल्लुल्ला है, अल्लाह का साया है। इकबाल ने इसको एक मिसरे में सिमट दिया, ये तो उनका कमाल है ना, कुश्ताए सुल्तानी और मुल्लाई और पीरी। तो असल में मुसलमानों की पूरी तारीख है ये, सुल्तानी मुल्लाई और पीरी। मुल्लाई तकलीद का तकाजा करती है, पीरी मुरीदी का तकाजा करती है, और सुल्तानी महकूमी का तकाजा करती है। तो
तो असल में ये तीनों चीजें जब किसी कौम के अंदर इतने लंबे अरसे तक रहे तो उसका नतीजा वही निकलता है। और जब हम उसको चैलेंज करेंगे तो आपने एक पता में जो मेरे बारे में कहा उसकी ये कीमत देनी पड़ेगी, इसमें कोई घबराना नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, अहमद साकिब फ्रॉम एबिंगडन। सर बहुत सर दो सवाल आते हैं। पहला है सर सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 161, इसका तर्जुमा यह है कि those who reject faith and die rejecting, on them is Allah's curse, lanatullahi, and the curse of angels। सर यहाँ तक तो बात हो गई मलाइका की और अल्लाह ताला की, लेकिन आखिर में कि एंड ऑल मैनकाइंड, क्या इससे ये इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही कि अल्लाह ताला तो एक चीज को डिफाइन कर रहा है लेकिन जो मैनकाइंड है वो भी उस डेफिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं रख रही है कि जो मजहब को रिजेक्ट करेंगे मीन्स के मजहब इस्लाम, तो उनके ऊपर ना सिर्फ अल्लाह की लानत है बल्कि मलाइका की लानत है बल्कि मैनकाइंड की भी लानत है। तो कहीं ना कहीं मजहब और उसके पैरामीटर्स डिफाइन हो रहे हैं। सर एक और बहुत एक छोटा सा सवाल कि सर अल-मौरिद को आप एक रिसर्च सेंटर, एक थिंक टैंक, लानत या अल-मौरिद तक क्या सफर अल-मौरिद को सर आप क्या एक दर्जा देते हैं कि अगर आप इसको महदूद करते हैं कि ये सिर्फ थिंक टैंक है या सिर्फ एक शऊर बेदार करने की तंजीम है और इसका और कोई प्लुरलिज्म में कोई रोल नहीं है या कोई जमहूरियत में रोल नहीं है या और किसी किस्म की शऊर बेदारी में रोल नहीं है, तो क्या आप अल-मौरिद और उसकी जो फरा और उसकी जो फिलोसफी है उसको आप महदूद नहीं कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ ताकि लानत से बचा हो। बात यह है कि जब आप कोई इदारा बनाते हैं तो उसके मकासद तय करते हैं। मसलन हम इस वक्त एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं तो इस यूनिवर्सिटी को कुछ मकासद के लिए बनाया गया है, इसको मकासद तक ही महदूद रहना चाहिए। अगर ये बरतानवी पार्लियामेंट पे हुकूमत करना चाहेगी तो ये नमाजों को होगा। अल-मौरिद एक रिसर्च एजुकेशन की फाउंडेशन, यानी वो बनाया ही इसलिए गया है कि रिसर्च को प्रमोट करें और लोगों को एजुकेट करें हर सतह पर। वो अपने मुस्तकबिल में जाके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की या किसी बहुत बड़े तालीमी इदारे की सूरत तो इख्तियार कर सकता है, इसलिए कि रिसर्च एजुकेशन यहाँ तक ले जा सकती है लेकिन इस दायरे से बाहर नहीं जा सकती। अगर इस दायरे से बाहर किसी ने जाना है, मिसाल के तौर पर आप फैसला कर लेते हैं, आप हमारे साथ मोहब्बत रखते होंगे तो आप बना लें अपनी सियासी जमात, उसमें बेचारे अल-मौरिद क्या कसूर किया है, उस यूनिवर्सिटी में आपने जलसा मुनक़द कर रहा है। तो इल्मी इदारा है रिसर्च एजुकेशन, उसका बुनियादी मकसद यही। और मुसलमानों के अंदर जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ऐसा माहौल फराहम हम नहीं करते अपने तालीमी इदारों में जहाँ लोग आज़ादाना सोचें, आज़ादाना गौर करें। आप देखिए कि हमने पिछले 35 साल में अल-मौरिद में ये रवायत इस्टेब्लिश कर दी है कि लोग इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीदें करते हैं, यानी बहुत से लोग मेरे शागिर्द हैं और कभी आप देखें बैठ के मेरे ऊपर किस तरह की तनकीदें हो रही हैं। अल-मौरिद इस माहौल का नाम है, वो इल्म की एक दस्तगाह है, उसको वही रहना चाहिए। तो आप अपनी ये नेक ख्वाहिशात कहीं और पूछ लें। दूसरी गुजारिश है कि वो आयत जो है ना उसको आपने ठीक तरह से नहीं पढ़ा। वो यूँ है कि वो लोग जिनकी तरफ खुदा के एक पैगम्बर की बेइज्जती हुई है, उन्होंने जानते बूझ के उसका इनकार कर दिया है, वो जब क़यामत में खुदा की बारगाह में खड़े होंगे तो खुदा भी उन पर लानत करेगा, फरिश्ते भी, सब लोग। और ये भी समझ लें कि हमारी उर्दू में ये लानत जो है ये काली बन चुकी है, अरबी में इसका मतलब है रहमत से दूर कर देना। मेरे आपसे दो सवाल है। पहला तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस्लाम में क्या मैसेज है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं? और दूसरा, हमारे आजकल पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि इस्लामिक वेलफेयर स्टेट मदीना की तरफ जाएंगे, तो जो मदीना की स्टेट थी क्या वो इस्लामिक स्टेट थी? पहले सवाल का जवाब ये है कि इस्लाम में तो मजहब के मामले में भी ऐलान कर दिया गया है कि ला इकराह फिल दीन, इस वजह से जब मुझे आज़ादी है तो मैं एक राय भी दे सकता हूँ, मैं लोगों को मुनज़्ज़म भी कर सकता हूँ, मैं एक सियासी जमात बना सकता हूँ, इदारा भी बना सकता हूँ, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। और मैंने तो अभी एक सवाल के जवाब में ये कहा कि किसी रंग, नस्ल या कौमियत की बुनियाद पर वैसी कौम भी अपनी तंजीम कर सकता है। तो इस्लाम
आपने इनमें से किसी चीज पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, आप आजादी से अपना काम करें। ये असल में फितरत के तकाजे हैं। अल्लाह ताला ने बताया ना कि जालना कुम शोगुम बकबायर तारफ, इंसान अपनी जबिल्लत के लिहाज से अपना इजहार गिरोहों और जमातों में करता है। कदीम जमाने में कबीला ये काम करता था, बड़े बड़े शोब या गिरोह ये काम करते थे। दौर हाजिर में हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए सियासी जमात का कॉन्सेप्ट अदा कर लिया, तो ये कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि पुरानी जो सियासी तंजीमें थी शोब और कबायल जिसको कुरान कहता है वो नई सूरत इख्तियार कर गई। खुद रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद जो इख्तदार का फैसला किया है तो उसमें इसी उसूल को बयान किया कि चूंकि अरब के लोग जितने भी हैं, अब चूंकि रियासत जो है वो मदीना तक महदूद नहीं रही, रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने से पहले ही पूरे जजीरा नुमा अरब तक फैल चुकी थी, तो आपने फरमाया कि अब मेरे बाद इख्तदार कुरैश को मुंतकिल हो जाएगा, इसलिए कि अंदाज तो तभी होंगे कुरैश, इस सरजमीन के लोग बुनी नहीं बैठे सियासी मामला। तो ये बिल्कुल ठीक जमहूरी उसूल के ऊपर एक गिरोह या एक कबीले को आपने इख्तदार मुंतकिल कर दिया, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। आप सियासी जमातें बनाए जाए, इनका एक सवाल बाकी रह गया, आपका दूसरा सवाल क्या था? मदीना की रियासत। मदीना की रियासत पर मैंने चंद हफ्ते पहले गुफ्तगू की है, वो इसी उनवान से जियो टेलीविजन ने अपने प्रोग्राम जिरगा में नशर कर दी, उसके बाद से मसलसल गालियां खा रहा हूँ। आपको भी शौक हो तो ये बात ही कभी समझ में नहीं आ सकती। आपको जो बात करनी है सियासत में सीधी बात करें, सदीद बात करें, लोगों को ना इस्लामी निज़ाम कह के धोखा दें, ना निज़ाम वस्तवा कह के धोखा दें, ना रियासत मदीना कह के धोखा दें। इसलिए कि मैंने बताया उसमें कि अगर आप रियासत मदीना का लफ्ज़ बोलते हैं तो फिर मसला क्या बनेगा। तो आपको वेलफेयर स्टेट कायम करनी है, उसकी बेहतरीन मिसाल बरतानिया मौजूद है, ये तो कायम कर लें पहले, फिर 14 साल पीछे चले। ये बात इसलिए नहीं कही जाती कि फिर लोग कहेंगे कि वहाँ तो ये हो रहा है, वहाँ पर आप मजहबी जज्बात को बरंगेख्ता कर देते हैं, ये कभी नहीं करते। मैं इसका सख्त बवाल हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दो सवाल हैं। पहले, अगर इस्लामिक फिक्र में वो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो सेक्युलर डेमोक्रेसी से कंपैटिबल हैं, तो फिर मुसलमान ममालिक में खास तौर पर इतना की मुश्किल रहा है सेक्युलर डेमोक्रेसी का कामयाब होना, और हम सुल्तानी और मुलाही का क्यों शिकार रहे हैं? और दूसरा ये है कि अभी आपने नमाज जुमा के बारे में बात की थी और के हुक्मरानों का काम है उसे सेट करना, तो क्या इसका ये मतलब है कि इस मुल्क में जुमा पढ़ना फर्ज नहीं है या है? थैंक यू। इसी ऐसे मुल्क में जहाँ मुसलमानों के पास हुकूमत का नज़्म नहीं, जुमा फर्ज नहीं होता, मुसलमानों ने यानी मुसलमानों के उलमा ने ये इस उसूल पर फैसला किया था, हिंदुस्तान में ये फैसला हो गया था क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई थी, तो मुसलमानों की हुकूमत का नज़्म तो मौजूद नहीं रहा था। उसी वक्त ये सवाल सामने आया, तो फैसला ये किया गया कि हम जुमे की याद को ऐसे ही बाकी रखेंगे जैसे हमने अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम करके मामला कर लिया। तो ये आप असल में जुमा तयम्मुम के तरीके पर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरा उसूल ये है कि जो सही बात है वो बयान की जाएगी, लेकिन इज्तमाही मामला में लोगों के फैसले की गाइडी। तो मैं कहता हूँ ये कि जुमे के शरायत पूरे नहीं होते, लिहाजा बेहतर होता कि ऐसा न किया जाए, लेकिन जब मुसलमानों ने फैसला कर लिया तो अब हम जुमा पढ़ेंगे। इसके साथ आपने जो सवाल किया तो मुश्किल ही समझ लीजिए, मैं जुमा मस्जिद में पढ़ता हूँ, उसके बाद जोर सेकुलर डेमोक्रेसी जो है वो उसके फलसफे को आप अलग रख लें, लेकिन जो उसके अमली मामलात में है उसमें हमारे और उनके दरमियान कोई बड़ा मसला नहीं पैदा होगा। ये भी मैंने उन तमाम मसाइल की निशान देखे, यानी लोग हैं, लोगों को हुकूमत कायम करनी है, अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले होने हैं। आप अगर उसमें कोई बेहतरी पैदा करना चाहते हैं लोगों के पास जाइए, उनको एजुकेट कीजिए, वो जितना उनके अंदर मजहबी शऊर होगा उसका जरूर हो जाएगा। लेकिन मैं इसका भी शदीद मुखालिफ हूँ कि किसी रियासत के लिए जिस तरह इस्लामिज्म नहीं होना चाहिए, इसी तरह सेकुलरिज्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सेकुलरिज्म का नतीजा भी तुर्की में देख लिया। जिस तरह वहां औरतों को गाड़ी चलाने के लिए एक सदी इंतजार करना पड़ा है, यहाँ पौन सदी उनको सर पर दुपट्टा लेने का इंतजार करना पड़ा है।
वजह से ये दोनों जो है इनको उठा लेना चाहिए, खालिश जमहूरी हुकूमत कायम की, जमहूरी तरीके के मुताबिक अपनी बात कही, आजादी राय, बल्कि मैं ये आपसे अर्ज करता हूँ कि चार चीजें हैं जिनको मुसलमानों के सियासी अकायद बन जाना चाहिए, एक इंसान के बुनियादी हकूक, दूसरे कौमों का हक के खुद इरादी, तीसरे जमहूरियत और चौथे कानून की हुक्मरानी। तो हमारी जद्दोजहद ये होनी चाहिए, जब आप एक इज्म और दूसरे इज्म का नाम लेते हैं तो सवाए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का कुछ नहीं करते, मुतय्यन बात कीजिए सीधी साफ, ये चार चीजें हैं इनके लिए हम लड़ेंगे, इनका नाम आप जो चाहे रखें जो आपको पसंद है। जी अतबाक सर, तो आप कह रहे हैं कि जिस चीज का शऊर होगा उसी का जहूर होगा कानून में, तो पहले से आप कह रहे थे कि होमोसेक्सुअलिटी है, तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं होमोसेक्सुअल और पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पर लोगों को शऊर है, शायद बैंकिंग का इतना शऊर ना हो लेकिन उसका कानून तो बना हुआ है, तो उस केस में उन लोगों क्या हो रहा है, वो माइनॉरिटी या इवन अगर अपनी बात कहें, अपने दलाइल पेश करें, हम अपनी बात कहेंगे अपने दलाइल पेश करेंगे, और अगर पूरी की पूरी कौम यही बन गई तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। इस वक्त आप जानते हैं कि जहां जहां ये बनी हुई है वहां मैंने क्या कर लिया, तो जिस मामले में इख्तलाफ होगा भाई वहां गुफ्तगू की जाए, बात की जाए। सर लेकिन जो शऊर जो मेजोरिटी है हमेशा वो जीत रही है, तो फिर माइनॉरिटी को कभी जीत ही नहीं सकेगी जब तक वो मनवा नहीं लेंगे, और मेरे और आप कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी शऊर है उनमें लोगों में उस बात का, तो ये जो इंसान के बुनियादी हकूक है, जान है, माल है, आबरू है, उसकी हिफाजत है, वो तो सियासी अकीदे के तौर पर मनवाए और मनवाने चाहिए, लेकिन ये कि आप एक खास फॉर्म अपने लिए तजवीज करते हैं, एक खास अमल तजवीज करते हैं, उस पर आपको दलाइल ही देने, आप मिजाज देता हूँ उसकी आप सर, तो इससे आप एक तरह से आपके जान आबरू पे ही आ रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी कोई मतलब आपकी पूरी जिंदगी का मसला है। ये दो अलग अलग चीजें, एक चीज ये है कि आप किसी जुर्म की सजा पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक चीज यह है कि सोसाइटी के अंदर आप एक बाकायदा इदारा बनाना चाहते हैं कि शादी के मुकाबले में एक दूसरा इदारा, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें, तो इनको अलग रखना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। कौन सा माशरा कौन सी सोसाइटी है कि जो हर नौयत के जरायम को गवारा कर लेगी, और जुर्म के मामले में हमारे और आपके, मेरे और आपके तसव्वुर में फर्क भी हो सकता है, अब मुझे उसको बयान करना है। अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारी सोसाइटी के अंदर तौहीन रिसालत को जुर्म समझा जाता है, मैं ये कह रहा हूँ इसकी सारी की सारी बहस ही बेबुनियाद, बहस कर रहे हैं ना, इसके अलावा कोई तरीका बता दीजिए। यानी दुनिया में दो ही तरीके रहे हैं, अब इनमें से जिसका चाहे आप इंतखाब कर लें, या मेरे पास होगी बंदूक और मैं इस सारी मजलिस के सामने खड़ा हो जाऊंगा और किसी को बोलने नहीं दूंगा, और या क्या है अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला कर लूँ, अब आप इंतखाब करें, कोई तीसरी चीज आप बताएं उस पर अमल कर लें। सर तो वो लोग क्या करें फिर, वो मतलब वहां ना रहे हैं, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, 50 चीजों से मैं इख्तलाफ कर रहा हूं, मैं क्या करूं, ये मुझे बताएं भाई, सबर के साथ मैं उस नुक्ता नजर को तब्दील कराने की कोशिश करूं, ये होगा। थैंक यू। और अगर नहीं होता उस आपकी जिंदगी पर तो आप माइग्रेट क्या करें, यही देखिए ना रसूलुल्लाह सलम ने क्या किया था, जब उनकी सोसाइटी ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया तो सहाबा इकराम उठ के हफ्ता चले गए। तो भाई बात यह है कि जहां तशद्दुद होगा, आपके ऊपर कोई वायलेंस होगी, तो वहां आप मुकाबला कर सकें, करेंगे, लेकिन अगर महज इख्तलाफ राय है, कोई तशद्दुद नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, तो अपनी बात कहिए, लोगों को कायल कीजिए, अगर आपकी बात में ज्यादा वजन होगा लोग उसको मान लेंगे, हमारी बात में ज्यादा वजन होगा हमारी बात मान लेंगे। सर लेकिन अगर कानून बना पड़े जो कानून बने हुए हैं, अगर वो गलत बने हैं तो तब्दील कराने के लिए भी आपको डेमोक्रेटिक जद्दोजहद करनी होगी, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं। दूसरा मैंने बता दिया बंदूक है, वो आप समझ लें आप। सर अली मोहम्मद मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी 2-3 दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड कराई कि डेटरेंस इस्लाम डेटरेंस भी एक होल्ड करता है, कैपिटल पनिशमेंट पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो अभी आजकल काफी डिबेट बनी हुई है कि कैपिटल पनिशमेंट और सरेआम फांसी, आपके इस बारे में क्या है? ये आपने किसी को कोई कोई भी सजा सरेआम देनी है या नहीं देनी, इसमें इस्लाम ने आम हालात में कोई मुदाखलत नहीं, अलबत्ता बदकारी की सजा के बारे में अगर वो आखिरी दर्जे में हो जाए और जुर्म साबित हो जाए तो अल्लाह ताला ने ये कहा है
शऊर है, इस्लाम का भी शऊर रखता है और उसने इस जुर्म का इंतकाब करके तीन सजाएं बयान की है। एक ये कि उसको 100 दुर्रे लगाए जाएंगे, ये इसको कोड़ा ना समझिएगा, ये बिल्कुल और चीज। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अब इसके बाद वो किसी पाक दामन औरत से शादी नहीं कर सकेगा। और तीसरा ये कि ये सजा कुछ लोगों के सामने दी जाएगी। कौन से लोग? जो आप जो सकते हैं, सारे आम बिल्कुल और इस्लाम में जो चीज जेरे बहस है वो ये है, इसके बाद औलाद। यानी जब अल्लाह ताला कोई बात बयान करते हैं तो वहाँ एक मुसलमान की हैसियत से हम उसको मानते हैं। जब अल्लाह ताला ने किसी मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है तो वहाँ आपका इख्तियार शुरू हो गया, आप अपने हालात के लिहाज से फैसला करें। ये तो है इख्तियार की बात, यानी एक कानूनी पहल। ज़ाती तौर पर मैं इसका कोई फायदा नहीं देता। हम दो आखिरी सवाल लेंगे, तो पहले आप और फिर ठीक। किसी बात से मुकर जाना, अपने वादे से मुकर जाने को न्यूटर्न कहते हैं। हमारे सियासतदान अपने जो इखलाकी तौर पे गिर चुके हैं गिरावट के शिकार के, इसको खत्म करेंगे माशरे से, और ये कौम भी अक्सरियती इस न्यूटर्न वाले मामले में साथ भी देती है, तो उसको दफा भी करती है। तो हमारे हुक्मरान अपनी कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये कौम कैसे अजीम कौम बन सकती है? आप भी जानते हैं किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें खुद आला अखलाक का नमूना बनना है, आला अखलाक की बुनियाद पर हुक्मरानों का भी एहतसाब करना है और आम लोगों को भी तरबियत देनी है और अपनी सोसाइटी को बहसीत मजबूत बेहतर बनाना है। इस वक्त हमारे यहाँ जो सियासी सबबंदी हुई हुई है, अगर आप गौर करके देखें तो उसमें लोग अपने अपने लीडर के लिए जो जुबान इस्तेमाल करते, जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से तनकीद को सुनते हैं, यानी आदमी के लिए अपनी पगड़ी पूंजी बचाना मुश्किल हो जाता है। और इसमें किसी एक गिरोह का मामला नहीं है, सभी का है। यानी आप मालूम होता है किसी की दुम पर आपने पाँव रख लिया, तनकीद का मतलब ही है। ये बदकिस्मती है, इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने का ये तरीका नहीं कि किसी एक शख्स या एक शख्सियत को हदफ बना लिया जाए। ये बहसीत मजमूई हमारी पूरी सोसाइटी के मसाइल। यहाँ उलमा यही तरीके इख्तियार करते हैं, दानिश्वर यही काम करते हैं, सहाफ़ी यही काम करते हैं और सियासतदान भी करते हैं। तो इन सबको दुरुस्त करने का तरीका ये है कि आप जो बुनियादी सियासी अखलाकियात हैं उनका शोर लोगों में पैदा, ये शोर पैदा करें कि इंसानों को जब आप कोई वादा करते हैं तो उसको क्या अहमियत देनी चाहिए। हमारे एक साबिक सदर ने यह फरमाया था कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते। तो मैंने उसके जवाब में उसी वक्त पब्लिक मीडिया पर कहा था कि जी वादे कुरान और हदीस होते हैं। आप फरमाइए, कुरान मजीद की जो आखिरी सूरह है जिसमें हमसे अहद लिया गया है, सूरह मायदा, वो शुरू यहाँ से होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउहूद। ईमान वालों, अगर इस मुसलमान उम्मत का रुकन बन के रहना है तो वादों को पूरा करो। तो हमारे यहाँ में इन्ना लादा काना मसूला, क़यामत में जो सबसे पहला सवाल होना है वो अहद का सवाल होगा। ये बात लोगों को हम बताएंगे। बाकी ये है कि सब इस हवा में सब लग गए, किस प्रकार से मेरा सवाल अपोस्टेसी से रिलेटेड है। तो बहुत से लोग होते हैं वो ये मौलवियों और इनसे फतवे ले लेते हैं और फिर डिस्पैक्शन ले लेते हैं, तो क्या स्टेट के पास ये होना चाहिए डिसीजन के वो दें या ये चीज मौलवी या इन्हीं लोग फतवे दें? किस तरह मैं भी इसके खिलाफ मुसलसल लड़ रहा हूँ, कोई हक नहीं। लोगों को खुदा ने आज़ाद पैदा किया। सैयदना उमर का वो जुमला याद रखें कि तुमने उन बच्चों को गुलाम कब से बना लिया जिनकी माओ ने उनको आज़ाद करा। लोगों को अल्लाह ताला की स्कीम यही है कि पूरा हक है। अल्लाह ताला खुद कुरान में बयान करते हैं कि इन्ना हदैना उस्सबील, हमने रास्ता वाज़ेह कर दिया है, इम्मा शाकिरम इम्मा कफूरा। जिसका जी चाहे वो अब खुदा का शुक्रगुजार बन के ईमान कबूल करें, जिसका जी चाहे वो कफर। इसलिए ये तो लोगों का हक है, इसको नहीं रोका जा सकता। हमारे पास एक आखिरी सवाल का टाइम है। गांधी साहब, हम इस मुल्क में रहते हैं और हम इस मुल्क के हिसाब से जो कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उसके ऊपर टैक्स भी देते हैं। इस टैक्स के अलावा हमें ज़कात भी देनी पड़ेगी कि ये वो कवर कर हो जाता है टैक्स में? जी, आप अपनी ज़कात का हिसाब करें और उसको टैक्स की रकम में एडजस्ट करें। जो हक आपके ऊपर सोसाइटी का अल्लाह ने आयत किया था वो किसी दूसरे नाम से आपसे ले लिया गया है, तो आप एडजस्ट कर सकते।
आप अगले और जिन लोगों ने लिया है वो अगर आपके यहाँ लिया जाता तो इतना अच्छा इस्तेमाल करते। अब अगले 10 से 15 मिनट गांधी साहब यहीं पे होंगे, आप लोगों को मौका होगा या मेरे इलम की हद तक नमाज का वक्त हो गया पहले नमाज